जो है ना, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो बाइक है खुली हुई, ये पैशन प्रो की बाइक है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, वायरिंग का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको वायरिंग भी बताऊँ। वायरिंग की स्थिति यह है कि पूरा ज़्यादा कटी हुई थी, किसी ने इसे पहले रिपेयर किया था। और इसके अंदर जो फॉल्ट था वो भी मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं ये CDI जो है बिल्कुल न्यू है, तब भी गाड़ी जो है स्टार्ट तो होती थी पर चल नहीं पाती थी। जैसे कि गाड़ी स्टार्ट होती थी और जैसे आगे बढ़ाते थे तो गाड़ी क्या होती थी, बंद हो जाती थी। जैसे लगता था कि CDI शॉर्ट है, फट फट की मतलब पटाखा मारते थे। तो इस रीजन में अब इसका हम जो काम करेंगे, इसका एक तो वायरिंग चेंज करेंगे और दूसरा CDI चेंज करेंगे। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम वायरिंग को चेंज करते हैं और ये सारा सामान वायरिंग वगैरह लगा के तब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चला के आपको दिखाते हैं कि गाड़ी का फॉल्ट दूर होता है या नहीं। और ये मेरे पास वायरिंग आ चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ इसका MRP कितना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पैशन प्रो SS डिजिटल मीटर, ठीक है, यानी कि ये डिजिटल मीटर की है। तो मैं इसका MRP आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 1365 रुपये है। और इस वायरिंग को अभी मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। खोल कर मेन जो कॉर्ड होता है ये होता है डिजिटल मीटर का। यहाँ पर आपको देख लेना पुराना वाला मिला के, देखिए पुराना वाला, यहाँ से कॉर्ड तो सेम ही लग रहा है। यहीं है, छोड़ दो, ये पुराना वाला का कॉर्ड है और ये नया वाला का कॉर्ड है, यानी कि वायरिंग तो बिल्कुल सेम है। और दूसरा CDI का कॉर्ड आपको देख लेना चाहिए। CDI का कॉर्ड ये है, 4 पिन 2 पिन, ठीक है, यानी कि सेम मॉडल है। तो चलिए आप इसको हम वायरिंग को लगाते हैं, पुराना वाला रिजेक्ट करके नया वाले को लगाते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलो लगाओ, आराम आराम से यहाँ से कर करो, फिर ऐसे खींचो वहाँ चला जाए। और खींचो मॉडल, कॉर्ड लगा। सेंटर उधर है कि इधर है, देख लो, देखो उल्टा के लगाओ। हाँ ऐसे, रिले लगने है तो बैटरी लगने है तो आराम आराम से कट होना तार। और पर हुआ तार का जो अंदर देखना पर तो पीछे करेगा। मेंटेन आ रहा है वो CDI रही मेंटेन है। अब यहाँ से जा तो नीचा दे, फिर वह ना निकलता आराम से पार। दवाई लग तो टायर लिवर लेगा। फ्लैशर वाला या इंडिकेटर वाला या इंटरनल रहता,
मेरे को ना चार्जिंग यहाँ तो यही राइट करने लग जाऊँ। इसमें कलर बाय कलर लगाते जाए, इंडिकेटर का है, इंडिकेटर वाला सिस्टम, ये वाला सेल्फ का है, ये रहेगा। हाँ वो लगेगा, ये सेल्फ का है। हाँ देखो ये सेल्फ का है, एक इसमें रहता है, एक काला वाला में रहता है। ना डालो ये लगेगा, ये वाला का कहाँ है सॉकेट, और तीन तार वाला ये लगा, इसको लगो, मीटर का है, इसमें इसी कलर का फिर तार लगो, ये हेडलाइट का होगा, इसी कलर का ढूंढ के लगो, इस कलर का ना। हाँ वाइट है, वाइट यहाँ है। कलर बाय कलर लगो, इंडिकेटर का पहले तार मत लगो सब, फिर तो उसके बाद इसका हैंडल कर लो, लगो जी। बैटरी तार कैसे को फिर ये वाला है सेल, ठीक है उसी में एक ये भी काला लगेगा। मैं धारी है से बैठे हुए रहता तार टाइट कर देना। हॉर्न वाला तो लंबा वाला हाइट तो गुजे रहो, मेरा नाम नीचे देख पार कर बोलो, हॉर्न रहो हॉर्न में लगा, अरे ये दोनों यहाँ लगा, एक तो यहाँ अर्थिंग हो तो करंट वाला अर्थिंग वाला नीचे आ जाता, करंट वाला ऊपर जाता, लगा सीडीआई लगा यहाँ पर भूख लिख रहा मेट्रो स्कूलिंग लगा तेल मीटर। हाँ तेल वाला लगा, एक रोल लगा, नोट कोड लगी लो, यूट लगा दे, कौन से लगा दे, कौन से पे अर्थिंग वाला लगा, ये लगवे एकरा लगा चार अर्थिंग को उन्हें लगा ले, चल तू अगला को टंकी लगा, उसका टंकी लगाओ तो स्टार्ट हो, टंकी फुल टाइट नहीं करना, इंडिकेटर ब्लॉक प्लसर को यहाँ डाल, यहाँ डर कर लगाओ टंकी, नट टाइट नहीं करना खाली टंकी का, पेट्रोल है ना टंकी में,
लगाओ पाइप, लगाओ पेट्रोल पाइप, लगाओ पेट्रोल पाइप। बाइक जो है प्रॉपर तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यानी कि आप कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यानी कि पहले गाड़ी क्या करती थी, पटाखा मारती थी, जैसे हम चलाते थे तो गाड़ी बंद हो जाती थी। तो अब मैंने वायरिंग भी इसका बदल दिया, CDI भी बदल दिया, बिल्कुल गाड़ी परफेक्ट हो गई, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और मैं भी आपको स्टार्ट मार कर भी आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में अब कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहा। चलिए हम एक बार आपको स्टार्ट मार। बिल्कुल एक किक में स्टार्ट होने लगी और गाड़ी काफ़ी अच्छा चलने लगी, तो अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।